बाबूराव गणपतराव आपटे एक रियल इंसान है, नॉट एग्जैक्टली बट ये कैरेक्टर एक रियल आदमी पर बेस्ड है। आइए मिलवाता हूँ उनसे। हेरा फेरी 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का हिंदी रीमेक है। मलयालम में बाबूराव वाले कैरेक्टर का नाम था मन्नन मत्थई। हिंदी में इस फिल्म को लिखा था नीरज वोरा ने, जो फिर हेरा फेरी के राइटर और डायरेक्टर भी थे। नीरज वोरा मुंबई के थिएटर सर्किट में काफी एक्टिव थे, जहां उनकी दोस्ती हुई एक्टर परेश रावल से। हेरा फेरी के दौरान जब बाबूराव की बात आई तो परेश रावल ने इस कैरेक्टर को मलयालम फिल्म से थोड़ा हटकर प्ले करने का सोचा। तब नीरज वोरा और परेश रावल गए अपने दोस्त म्यूजिक कंपोजर रजत ढोलकिया को मिलने, जिन्होंने मिर्च मसाला और धारावी जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। दोनों ने मिलकर रजत के मैनरिज्म्स को ऑब्जर्व किया कि कैसे वो थोड़ा झुक कर चलते हैं, कैसे वो अक्सर चीजें भूल जाते हैं और मोटे मोटे सोडा बॉटल वाले चश्मे भी पहनते हैं। और इसी इंस्पिरेशन से परेश रावल बने बाबूराव गणपतराव आपटे। इनफैक्ट दिल्ली 6 में आपने रजत ढोलकिया को भी चांदनी चौक के निवासियों को आईना दिखाते हुए देखा होगा। अगर आप हेरा फेरी 3 के लिए एक डायरेक्टर चुन पाते तो आप किसे चुनते? कमेंट्स में मुझे आपकी चॉइस जरूर बताइए।